वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और सभी बड़ों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग है ना स्वस्थ होंगे। आज जो है हमने आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया होगा कि लॉकडाउन में क्या करें। फिलहाल जो है लॉकडाउन 4 अभी स्टार्ट हो चुका है और लॉकडाउन के अंदर काफ़ी कुछ जो है फिल्ट्रेशंस वगैरह सुधार वगैरह करे गए हैं। थोड़ा बहुत लॉकडाउन को आगे बढ़ाया भी गया है और लेकिन बढ़ाने के साथ में जो है थोड़ा सा इसके अंदर संशोधन किए गए हैं, इसको थोड़ा सा खोला भी गया है कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुलेंगी, कुछ ज़रूरी संसाधन जो है वो खुलेंगे। इसी के साथ में हम लोगों को जो है मेरे हिसाब से जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल लॉकडाउन के साथ साथ ये बीमारी अभी भी लगातार निरंतर रूप से बढ़ रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ समय के अंदर पर्यावरण के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि पर्यावरण साफ होने लग गया है, बहुत सारी नदियाँ नाले जो हैं उनकी जो गंदगी है वो बहुत अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन अप होने लग गई है। हमारे जो ओजोन लेयर के ऊपर जो हम सुन रहे थे हमारे बचपन से लेकर आज तक कि उसका जो होल है वो बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप हील अप होकर के अपने आप बंद हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उस अच्छी बात के साथ साथ बहुत सारी काफ़ी सारी बुरी बातें भी हो रही हैं, कुरीतियाँ भी इस दुनिया के अंदर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है इस बीमारी की वजह से। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, जो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि लॉकडाउन के अंदर हम लोग क्या करें, क्योंकि अभी जो है पूर्ण तरीके से लॉकडाउन खुला नहीं है और अभी शायद जिस हिसाब से बीमारी बढ़ रही है उस हिसाब से हमें लग रहा है, जो आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा सा आप लोगों भी मेरे से ज़्यादा ही समझदार हैं तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि है ना लॉकडाउन जो है अभी पूर्ण तरीके से तो ख़त्म अभी थोड़े टाइम तक होना नहीं है। तो अगर पर्यावरण हमारे को आज से 20-30 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा इतना साफ़ सुथरा अगर मिला है, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि मैं जो आपको आज विशेष पॉइंट बताने जाऊंगा अभी बताऊंगा उसके ऊपर आप प्लीज़ है ना थोड़ा सा अमल करें। और साथ के साथ में अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अभी जैसे पर्यावरण बहुत साफ़ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले जो था कोरोना वायरस आने से पहले, कोविड से पहले, पर्यावरण में सिर्फ सुबह के कुछ घंटे 2-4 घंटे साफ़ हुआ करते थे या शुद्ध हमें महसूस हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप लोग देखेंगे तो अब ऐसा है कि अब ये पूरे दिन भर का ही ऐसा माहौल हो गया है कि पूरे दिन भर आपको पर्यावरण, चाहे धूप आ रही हो, चाहे छांव आ रही हो, चाहे हवा चल रही हो, हर वक्त आपका जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो पहले जो कुछ लोग बहाने दिया करते थे, इवन मैं भी उसके अंदर था, कि हाँ हम लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं तो योगा कैसे करें, ये वो, और काफ़ी तरीके के हम तर्क देते थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब वो सारे तर्क जो हैं वो देने बनते नहीं हैं। पूरा दिन हम लोगों को जो है अब मिल गया है और इस दिन का जो है हमें है ना मेरे हिसाब से पूर्ण तरीके से है ना फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। और हम लोगों को सुबह उठें या दिन में उठें कभी भी, क्योंकि हमारे रूटीन्स वगैरह काफ़ी बिगड़ गए हैं, तो काफ़ी लोग दिन में उठ रहे हैं, रात को नहीं सो रहे हैं, सुबह सो रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से विनती ये है कि योगा करें। योगा के अंदर मेनली प्राणायाम जो है, कपालभाति जो है, अनुलोम विलोम, ये तीनों चीज़ें तो ज़रूर से ही करें। प्लीज़ कृपया करके मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आपके जो शरीर के जो लंग्स वगैरह हैं, जो हम लोगों को लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब से हम बच जाएंगे। और जो 20-30 साल के अंदर हमने लंग्स के अंदर पॉल्यूशन और पॉल्यूटेड एयर ली है, ये जितने भी हमने फ्री रेडिकल्स जो हवा में घूमते रहते हैं ये हमने इनटेक किया है, ये सारे के सारे हमारी जो, जैसे लोग बोलते हैं कि हम डिटॉक्स कर रहे हैं, आज हमारे पास में मौका है डिटॉक्स करने का अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने लंग्स को। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरे सारे भाइयों से, बड़े बुज़ुर्गों से और मिडिल एज लोगों से, मेरे पापा की उम्र के, कि भाई प्लीज़ इस टाइम पे आप योगा करें। 15-20 मिनट अपने आप को दें और आपको बहुत अच्छा एहसास होगा अगर आप इस टाइम पे योगा करेंगे, क्योंकि हवा पानी सब बहुत अच्छा है। तो आप इस टाइम पे इसका फ़ायदा उठाएं, योगा करें, पॉजिटिविटी भी आएगी, चेहरे पे ग्लो भी आएगा। तो आप लोग जिस भी समय उठें, जिस भी समय 15-20 मिनट अपने शरीर को योगा के लिए ज़रूर दें। दूसरा पॉइंट ये आता है कि बुज़ुर्गों के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कुछ, कि हमारे परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसका उनका जो है विशेष तरीके से ध्यान दें। कृपया करके उनका जो है अच्छे से ख्याल रखें, उनको फालतू की न्यूज़ों से बचाएं, ठीक है, ताकि उनके दिमाग के अंदर जो है बिल्कुल भी कुछ भी गलतफहमियां नहीं पलें। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पुरानी लाइफस्टाइल चल रही थी वो बहुत ही घटिया और बहुत ही बदतर चल रही थी। ऑफिस हम लोग कब जा रहे थे, कब आ रहे थे, पूरा दिन हमारा बहुत ही वेस्ट हो रहा था और हम लोग फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे। और पुराने जो पूर्वज हैं उनसे कुछ भी सीखने को हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी।
आज जो है आज हम लोग उनके साथ में बैठ पा रहे हैं, साथ में उठ पा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अपने मोबाइल के अंदर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर पूरे दिन भर न्यूज़ चैनल के ऊपर लगने की जगह आप लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ दो चार घंटे जितने भी स्पेंड कर सकते हैं स्पेंड करने की कोशिश करिए। क्योंकि जिन लोगों के आज भी दादा दादी या बुज़ुर्ग या फिर बड़े लोग आज भी हैं, आज भी ज़िंदा हैं, वो बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि बहुत लोगों के नहीं हैं। तो अगर आप और मेरे जैसे लोग खुशनसीब हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं, उनके साथ में बैठें, उनका हमें आशीर्वाद स्नेह भी मिलेगा और उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। उनसे पूछें, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके जो हर्डल्स आए थे, जो मुश्किलें आई थी, उनका उन्होंने कैसे सामना किया, कैसे वो इस पूरी ज़िंदगी के अंदर जिए। तो कृपया करके उस सब चीज़ों के अंदर उनसे है ना, कृपया करके बैठ के प्लीज़ बात करें। मैं बार बार कृपया इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्लीज़ मेरी बात को माने, आपको बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, सीरियसली। और फिर उसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा मेरे भाइयों बहनों से, जितने भी मेरे हम उम्र लोग हैं, वो सभी लोगों को अगर आप देखो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे भाइयों बहनों से, हम उम्र लोगों से, तो अगर मैं अपने हम उम्र लोगों की बात करूँ, 20 से लेकर के और जवान लोग जो भी हैं या फिर 30s की एज के भी हैं, आप देखिए जो हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, हम किसी के छोटे भाई हैं, हम किसी के बड़े भाई हैं, किसी बहन के भाई हैं, या फिर आप लोग जो हैं बहनें भाई जो भी हैं, मैं सबके बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखिए कि हम में से कुछ लोग हैं जो जॉब में लग चुके हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सभी को ये कहूँगा कि हम लोग अगर देखें अपनी लाइफ को, पुरानी लाइफ के ऊपर गौर करके थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो हम लोगों को ये दिखाई देगा कि हम हमारे भाई बहनों से जो हम बचपन में खेला करते थे, उनके साथ उठा बैठा करते थे, वो सारे मोमेंट्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं लाइफ के अंदर, इस सेडेंट्री लाइफ के अंदर जो बहुत ही बेकार हमारी जो नई वेस्टर्न लाइफस्टाइल आ चुकी है कि अगर हम लोगों को टाइम भी मिलता है तो हम दोस्तों के साथ डिस्क पब में जाते हैं, या फिर डिस्क पब में नहीं भी जो जा रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि फिर भी हम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हम हमारे घर वालों को नहीं दे पाते। या फिर जो लोग दूसरे सिटीज़ में रह रहे थे, जो दूसरी सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे थे या जो जॉब कर रहे थे, मैं उन सभी लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा कि वो सब लोग भी आज जब अपने घर पे आ चुके हैं लॉकडाउन के टाइम पे, तो अपने मोबाइल और अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस उनसे थोड़ा सा ध्यान हटा करके, भैया थोड़ी सी नॉलेज तो बहुत ज़रूरी होती है, तो सोशल नेटवर्किंग पे जुड़े रहना भी ज़रूरी है, लेकिन पूरे दिन नहीं, पूरे दिन बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे भाई बहनों के साथ अगर हम उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ वो पुराने मोमेंट्स को दोबारा से है ना जो है हम याद करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, सीरियसली बहुत ज़्यादा। तो आप लोग अगर उसको देखेंगे और उसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर के मेरी बात को अगर मानेंगे, मैं आपसे किसी से छोटा हूँगा, किसी से बड़ा हूँगा, मुझे अपना भाई माने, दोस्त माने, कुछ भी माने, लेकिन प्लीज़ मेरी इस बात के ऊपर अमल ज़रूर करें। और ये योगा वाली जो मैंने बात कही थी, इस पर भी ज़रूर अमल कीजिएगा। ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको कहे ना, ये बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो आप खुद कहेंगे कि हाँ यार, हम लोग मिस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं लेकिन हम इनको फॉलो नहीं कर रहे, सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हैं लेकिन हम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और फिर बाद में दोबारा से जैसे हमारी लाइफ वही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रॉपरली जैसे मैंने कहा लॉकडाउन जो है ओवर नहीं हुआ है, वापस से हम ऑफिसेज में अपने बिजनेस में अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के अंदर लग जाएंगे, उस टाइम पे फिर हम सोचेंगे कि हमारे भाई बहन, हमारे पुराने मोमेंट्स और हमारे बड़े, हमारे बड़ों से हम क्या क्या सीख सकते थे, ये वो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज हमारे बड़े हैं तो आज उनके साथ बैठिए, आज उनसे सीखिए, आज हमारे भाई बहनों को हम टाइम दे पा रहे हैं तो टाइम दीजिए। लॉकडाउन की वजह से जो बेकार चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर से ध्यान हटाइए। मेरे भी फाइनेंशियल सिचुएशंस वगैरह में प्रॉब्लम आ रही हैं, आपके भी आ रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर हमारे पास मौका है हमारी फैमिली के साथ उठने, हमारे पास मौका है हमारी फैमिली के साथ उठने बैठने का, अगर हमारे भाई बहनों के साथ में मोमेंट्स को वापस से चेरिश करने का, तो प्लीज़ आप इसको है ना मौके को जाने मत दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी से, प्लीज़ मैं सभी से ये विनती कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे जो जितने भी दिए गए सुझाव हैं या जो मेरी विनती है उसको मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।